गवर्नमेंट जो भी आए अच्छा काम करे हमारे लिए, जो हमारे मुद्दे हैं मेन मुद्दे उन पे फोकस करे। पहुंचाते तो वो आगे बात होती तो हमारे काम हो पाते हैं, तो बड़ी देर से जो काम पेंडिंग है वो लगता है होंगे। नमस्कार, यूनिक वॉइस न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं विशाल राणा। जम्मू कश्मीर में 10 साल के बाद जो है चुनाव होने जा रहे हैं, काफी लंबे वक्त के बाद जो है जम्मू कश्मीर में जो है चुनाव होने जा रहे हैं, और हमारे साथ कुछ शख्स यहाँ पर कुछ यूथ जो है बातचीत के लिए मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। सर मेरा नाम साहिल शर्मा है। साहिल जी, इतने लंबे अरसे बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव देखने को मिल रहा है, तो एज ए यूथ आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये कोई 11 साल लगभग चुनाव होने जा रहा है एक तिरंगे के नीचे, तो युवाओं में बहुत ही खुशी है इस समय की हमारी इलेक्टोरल गवर्नमेंट जो भी आए अच्छा काम करे हमारे लिए, जो हमारे मुद्दे हैं मेन मुद्दे उन पे फोकस करे, बेरोजगारी, फिर अपना रोड्स का जो भी काम है उस पे देख के। तो मैं युवाओं से यही अपील करूंगा कि बढ़ चढ़ के वोटिंग करें, जो अच्छा कैंडिडेट है कृपया उसको ही वोट करें अच्छे सोच समझ के। एज ए यूथ अगर आप वोटिंग दे रहे हैं तो क्या क्या इश्यूज होंगे एज ए यूथ? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है यहाँ पे बेरोजगारी जो सबसे बड़ा मुद्दा है। बाकी आप कहें बिजली पानी का, वो तो बेटर हो गया, पहले से बहुत अच्छा हो गया यहाँ पे, तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा जिसके कारण वोटिंग के लिए प्रोत्साहित है, आगे जाएंगे बढ़ेंगे और यही मुद्दा उनके आगे रखेंगे पहले कि बेरोजगारी हटाइए। देखिए, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। आपका नाम जानना चाहूँ। मेरा नाम वीर विक्रम है। क्या कहेंगे इतने लंबे अरसे के बाद चुनाव होने जा रहे हैं 10 साल के बाद, पहले स्टेट के लिए अब यूटी के लिए, तो किस तरीके से देखिए ये तो एक बड़ा ही हमारे लिए खुशी का मौका है कि 10 साल के बाद जो है वो जो चुनाव होने जा रहा है, और इस चुनाव को लेके युवाओं में एक अलग ही जोश है। युवाओं का जो अपना एक टारगेट है कि हमें जॉब स्किल लेके, उनको बिजनेस को लेके, अपना टूरिज्म को लेके, ये सारी चीजों को देखते हुए एक बड़े उत्साह के साथ जो है युवा जो है इस बार चुनाव में उतर रहे हैं, और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि एक अच्छी और एक राष्ट्रभक्त जो है सरकार जो है वो आए, ताकि जितने भी हमारे जो मुद्दे हैं उनके ऊपर जो है जल्द से जल्द जो है उनका मसला हल किया जा सके। एक मेन मुद्दा है जो ड्रग्स है, मैं चाहता हूँ और ये ड्रग्स पे भी फोकस करे, कहाँ से आ रहा है, कहाँ सप्लाई हो रहा है। बच्चे देखिए आप तबाह हो रहे हैं, माँ की गोदे खाली हो रही हैं, जवान लड़के आपके सामने, आप भी न्यूज चैनल कवरेज करते हो, आज कोई वहां पे चिट्टे के साथ ऐसा हुआ, ओवरडोज हो गई, ये हो गया, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है सर इस समय पे। बेरोजगारी के साथ साथ ये चिट्टा वगैरह जो है, ड्रग्स वगैरह, ये भी कंट्रोल होना चाहिए यहाँ पे। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, टूरिज्म, इसके बारे में क्या? देखिए, डेवलपमेंट की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स का, हाईवेज का, फ्लाईओवर्स का काम बड़े अच्छे से चल रहा है। अब बात जो मेन है जम्मू कश्मीर में, जम्मू प्रोविंस में टूरिज्म को पिछले 70 साल से जो है वो दबाया गया है। ये आप सभी लोग जानते हैं कि जम्मू के टूरिज्म को लेके कभी भी इस तरह से डेवलपमेंट नहीं हुई कि ताकि वो जम्मू में जो है टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा आ सके। माँ वैष्णो देवी जी को अगर हम देखें तो उनके यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा सालाना जो है वो तकरीबन यहाँ पे हमारे पास श्रद्धालु आता है, लेकिन ऐसा कोई भी साधन नहीं है कि हम उस 1 करोड़ में से 20 से 25 लाख जो है वो जम्मू प्रोविंस के लिए रोक सके। जबकि जम्मू प्रोविंस आप अपना गेट एंट्रेंस से देख लीजिए, आप सरथल, बनी, बसोली में चले जाइए, इतना सुंदर सुंदर स्थान है, इतने रमणीक स्थान है देखने के लिए। आप रजौरी पुंछ में चले जाइए, 7 सिस्टर लेक्स है, बुड्ढा अमरनाथ जी हैं, चादरा शरीफ जी हैं, आप मानसर सुरीसर की झीलों को देखिए, भाई इतना ज्यादा स्कोप है हमारे पास। आप अपना बाघा बॉर्डर की तरह पे यहाँ पे आप अपना सुचेतगढ़ बॉर्डर को ही कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा टूरिज्म है जिससे आप होटल इंडस्ट्री को, टूरिज्म इंडस्ट्री को बड़ा ज्यादा बढ़ावा दे सकते हैं। इससे हमारा यूथ जो है वो सशक्त होगा और एक आने वाले समय में एक सुदृढ़ और अच्छा जो है जम्मू कश्मीर यूथ है उसके लिए हम ये कहना चाहते हैं कि जो भी वोट दे अपना सोच समझ के दे, अपना कैंडिडेट चुने सोच समझ के चुने, जो हमारे लिए काम कर सके आगे, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी खत्म कर सके, और सर हमारी डेवलपमेंट कर सके, हमारे पूरे एरिया की जो भी है हमारे। तो यूथ तो यही चाहता है कि अच्छा कैंडिडेट आए हमारे हमारे एरिया में, हमारे जम्मू कश्मीर में, जो भी CM आए अच्छा है, हमारे लिए काम करे। मेरा नाम विदर्श है। मैं देखता हूँ कि बड़ी देर बाद इलेक्शन हो रहे हैं, हमारा कोई नुमाइंदा आएगा जो आगे हमारी बात रखेगा। बड़ी देर से देख रहे थे लोगों के काम पेंडिंग है, तो जैसे ही कोई MLA चुन के आएंगे हम उनके पास बात पहुंचाते तो वो आगे बात होती तो हमारे काम हो पाते हैं, तो बड़ी देर से जो काम पेंडिंग है वो लगता है होंगे अब आगे जाके। ये थी जनता की राय इलेक्शंस को लेकर।
आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपने राय जरूर रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। मुझे मेरे वीडियो जर्नलिस्ट नरेश शर्मा को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।